ये लॉकेट था और मैं लेके आई हूँ ये। खबर गणिसा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग वेल। सो दिवाली के अब कुछ ही दिन रहे हैं, 3-4 दिन रहे हैं और आज हम लोग जाने वाले हैं मार्केट। तो आज मैं आपको बीकानेर की रौनक दिखाऊंगी। वैसे तो इस बार सुनने में आया है कि मार्केट मतलब बहुत ज़्यादा ऐसी नहीं है, थोड़ा डाउन ही चल रहा है क्योंकि हमारी खुद की भी शॉप है तो हमें पता है। फिर भी लेडीज़ की जो भीड़ होती है ना, रौनक होती है, वो तो हमेशा ही होती है चाहे मार्केट कैसा भी हो। तो आज हम जाएंगे मार्केट तो मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पे किस टाइप का मार्केट लगता है, मतलब कितनी रौनक होती है दिवाली की। तो दिवाली की कितनी रौनक है मार्केट में वो तो मार्केट जाने से ही पता लगेगा। और वैरायटी तो अभी हम थोड़े दिन पहले गए थे तो कुछ इतना नया नहीं आया था मार्केट में। इस बार जैसे कि मैंने कहा मार्केट इतना तेज नहीं है तो ज़्यादा वैरायटी नहीं आई है, बट क्या पता अभी दिवाली के टाइम पे आ गई होगी। तो देखेंगे कुछ नया होगा तो लेके आएंगे और साथ में मैं आपको भी दिखाऊंगी यहाँ पे किस तरह का मार्केट लगता है, कितनी रौनक होती है। तो बस अभी मुझे पहले मैं ना अपनी ड्रेस स्टिच कर लेती हूँ क्योंकि मुझे दिवाली पे पहननी है और इतनी जल्दी कोई ड्रेस सिल के नहीं दे रहा था। तो मैं अपने कॉटन के सूट तो खुद ही स्टिच करती हूँ बट प्योर की ड्रेसेस या जैसे ये क्रेप वाला है ना, ये मैं फ़र्स्ट टाइम स्टिच कर रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसे था कि मुझे पहनना ही है किसी भी हाल में, तो मैं खुद ही स्टिच कर लूँगी। वैसे मैंने ना हाफ प्योर के जो ट्राई कर रखे हैं तो मुझे इतना तो खुद पे कॉन्फिडेंस है तो ख़राब तो नहीं करूँगी। तो बस अभी मैं थोड़ा सा ना उसको स्टिच कर लेती हूँ, देन फिर मैं रेडी हो जाऊँगी क्योंकि अभी टाइम है, खुशबू भी सो रहा है, तब तक मैं अपनी थोड़ी सी स्टिचिंग कर लेती हूँ। तो ये रही वो ड्रेस। तो वेल ड्रेस मैंने आपको दिखाई, ये वाली ड्रेस मैंने आपको दिखाई थी अभी थोड़े दिन पहले एक वीडियो में, और ये खुशू के टाइम के जब खुशू हुआ था ना तो यहाँ से घर से मैंने ली थी खुशू के पापा की तरफ से। इसको साल भर हो गया बट मैं भूल ही गई थी, अंदर रखी हुई थी कि मुझे स्टिच भी करानी है और अब मुझे याद आया कि मुझे स्टिच करवानी है, बस पहननी है। तो मैंने इसमें ना कुर्ती तो जोड़ ली है और कांचले के भी सारे पार्ट मैंने जोड़ लिए हैं और सही से जोड़े हैं, ख़राब तो नहीं किए अब तक। तो अब बस मुझे मगजी तैयार करनी है तो मैं जल्दी से मगजी तैयार कर लेती हूँ क्योंकि मगजी में ही टाइम लगने वाला है उसके। तो अभी मैं थोड़ी सी सिलाई कर लेती हूँ, उसके बाद में फिर मैं रेडी हो जाऊँगी। कि अस्तर वाली मगजी है तो ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है एंड स्टिचिंग और डिज़ाइनिंग से रिलेटेड है ना, मेरा एक दूसरा चैनल है, स्क्रीनशॉट आपको स्क्रीन पे भी अभी शो कर रहा होगा, ऑल्सो चैनल का नाम भी आ रहा है, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जो लोग भी स्टिचिंग और डिज़ाइनिंग में इंटरेस्टेड हो, राजपूती सूट की डिज़ाइनिंग स्टिचिंग ये सब मैं सबसे रिलेटेड वीडियोस जो है ना वो उस चैनल पे आपको मिल जाएगी, तो ज़रूर एक बार आप चेकआउट कर लें, अरे ऑल्सो सब्सक्राइब भी कर दें। तो अभी मैं कर लेती हूँ थोड़ी सी स्टिचिंग, देन फिर मैं आपको रेडी होने के बाद में मिलती। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ बट अभी काफ़ी सा आए नहीं हैं और आज हमारे साथ में बुआ सा भी चलेंगे, हाँ खुशू भी चलेगा। तो आज हम चारों जने जाएंगे मार्केट, मैं खुशू काकी सा और बुआ सा। तो बस वो आ जाए, बाद में फिर मुझे ओढ़ना वगैरह ओढ़ना है और खुशू को रेडी करना है। तो तब तक मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ी बहुत अपनी स्टिचिंग कर लेती हूँ जब तक काकी सा आते हैं, क्योंकि मैं रेडी तो हूँ ही तो अपना टाइम क्यों वेस्ट करूँ। आप बोलो कि मैं भी चलूँगा मार्केट, बोलो खुशू। और ये मेरी रिंग लाइट को तोड़ रहा है बैठा गंदा बच्चा, हाँ है गंदा बच्चा है खुशू। तो भैया फोटो जी, ये राजू से ले लो 50, फिर बाद में कहते हैं लाल दुकान खोल लेंगे। हाँ तो हाँ कौन तो निकल ये है, किस रेंज का पर्दा?
किसी से ही लागी हाँ वही तुमको दो तरह ने देखी आ तो बहुत ज्यादा बड़ी होगी फिर मन भाई शेप से ही लागी बारह गोल से मिला वो तीन रहे और हाँ वे तीन है और 450 रुपए रहे एक सिंगल है 450 रुपए ये पारी है भी तो मार्केट से हम आ गए हैं और 5:30 हो गई है गए थे हम 12:30 बजे घर से और 5:30 हो गई और आज मुझे पैलेस के भी जाना था बट मुझे लग रहा है कि मैं आज नहीं जा पाऊँगी क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ तो आज मैं इस व्लॉग को अभी एंड नहीं करूँगी कल मैं ज्वेलर्स के जाऊँगी तो मैं क्या लेके आने वाली हूँ वो मैं आपके साथ में भी शेयर करूँगी तो अभी मैं आपको बता देती हूँ कि मैं मार्केट से क्या लेके आई और बहुत ज़्यादा भीड़ थी मार्केट में मतलब ऐसे मार्केट डाउन है बट जो औरतों की भीड़ थी ना वो तो हमेशा रहती है तो आज भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी मार्केट में तो थोड़ा बहुत मैंने शूट जितना कर पाई थी उतना मैंने आपको दिखाया कि और जितना मैं शूट कर पाई थी उतना मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पे कितनी रौनक रहती है और यहाँ पे केम रोड करके एक रोड है वहाँ पे भी मतलब काफ़ी भीड़ रहती है पर उस साइड में हम गए नहीं थे क्योंकि खुशू भी परेशान हो रहा था और हमारा उस साइड में कोई काम भी नहीं था तो वो मैं आपको नहीं दिखा पाई तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ। तो एक तो मैं ये टॉल लेके आई हूँ खुशू के लिए जो उसका पहले वाला जो टॉल था ना वो छोटा हो गया था तो अभी मैं उसके लिए ये वाला टॉल लेके आई हूँ और बुआसा और ने बेडशीट वाली ली थी जो मैंने आपको सबसे पहले जो शॉप दिखाई थी ना बेडशीट वाली कर्टन वाली तो बुआसा ने कर्टन लिए थे रेड कलर वाले और बेडशीट ली थी और ये सुपारी वगैरह खट्टी मीठी गोनियाँ तो ये सब मैं लेके आई हूँ और मैं लेके आई हूँ एक ये हैंडबैग जो कि पैराशूट फैब्रिक के अंदर है क्योंकि मुझे ऐसे वैसे मेरे पास है ना हैंडबैग बहुत ही है बट अब खुशू को जब साथ में लेके जाते हैं तो इसके डायपर बॉटल्स वगैरह मतलब काफ़ी सामान तो इसका भी हो जाता है तो मेरे पास बड़ा हैंडबैग नहीं था तो एक मैं ये लेके आई हूँ और ये मुझे बहुत टाइम से मैं सोच रही थी क्योंकि इतनी सारी बैंगल्स हो गई है ना मेरे पास और बैंगल बॉक्स भी मेरे पास बहुत सारे पड़े हैं फिर भी मेरी बैंगल्स बाहर भी पड़ी है कुछ तो उसके लिए मैं ये बैंगल बॉक्स लेके आई और इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इसमें 2-3 तरह की क्वालिटी थी बट मेरे पास पहले भी एक पड़ा है तो वो इससे भी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का है कभी जब मैं आपके साथ में बैंगल्स वाला कलेक्शन शेयर करूँगी ना तब मैं आपको दिखाऊँगी तो अभी मैं ये वाला लेके आई हूँ और इसकी प्राइस थी 600 और इसमें लॉक वाला सिस्टम भी है 4 रोड है इसमें इस तरह से तो एक मैं ये लेके आई हूँ और एक ग्लास छोटी छोटी ग्लास बिंदी लग गई यहाँ पे और ये है कांच की छोटी ग्लासेस ये मैं लेके आई हूँ और वाइट कलर में भी मुझे पसंद आई थी बट सबको ये वाली अच्छी लगी कि थोड़ा सा कलर मतलब अलग सा इसका ब्लू कलर में आ रहा था तो कहते वाइट तो नॉर्मली है ही तो ये वाला ले लो तो मैंने ये वाली ली है और सुंदर सा इसका डिज़ाइन भी कलर भी प्यारा है वैसे तो 6 पीस मैं ये लेके आई हूँ। तो ये आज की शॉपिंग तो ये थी और कल मैं कंटिन्यू रखूँगी ज्वेलर्स के पास जाऊँगी तो मैं आपको बताऊँगी कि मैं क्या लेके आई हूँ। तो अभी मैंने कर लिया है चेंज और अब मैं पहले किचन के काम में लग जाती हूँ क्योंकि ऑलरेडी लेट हो गया है फिर साथ में ही मैं थोड़ी स्टिचिंग कर लूँगी जो मैं बीच में छोड़ के गई थी अभी मुझे मगजी तैयार करनी है पूरा सूट भी मुझे रेडी करना है और कल मैं जाऊँगी ज्वेलर्स के तो वो भी मैं शेयर करूँगी आपके साथ में। तो कल हम मार्केट से लेट हो गए थे तो मुझे ज्वेलर्स के यहाँ पे जाना था तो मैं कल नहीं जा पाई तो मैं अभी जा रही हूँ ये नेक्स्ट डे है तो इसीलिए मैंने कल व्लॉग को एंड नहीं किया था तो अभी चलते हैं ज्वेलर्स के देखते हैं अगर भीड़ हुई तो मैं वहाँ पे शूट नहीं कर पाऊँगी अगर थोड़ा बहुत ऐसे हुआ तो मैं आपको दिखा दूँगी कि मैं क्या लेके आऊँगी। Tipati market.
इनके पास में बहुत ही अच्छी अच्छी डिज़ाइन है ज्वेलरी की, मतलब बहुत ही अच्छी अच्छी। तो बस अभी घर आ गए हैं और अभी मैं शाम के खाने में लगूंगी। तो मैं आपको दिखा देती हूँ फटाफट से कि मैं क्या लेके आई हूँ। मतलब लॉकेट मम्मी का है, मम्मी ने बनवाने के लिए दिया था, पहले इयर रिंग्स बनवाए थे तो उसी के मैच का ये लॉकेट है। और आज ही लेके आना था क्योंकि आज कुछ नक्षत्र वगैरह ऐसा कुछ था, तो आज की डेट में मैं लेके आई हूँ और मैं भी कुछ लेके आई हूँ, मैं आपको दिखाती। तो ये रही श्री गणेश ज्वेलर्स की डब्बी। और आजकल ये ना इनकी डब्बियाँ बहुत सुंदर सुंदर आने लगी, मतलब लाइट होती है तो इजीली मतलब डिज़ाइन दिख जाता है अंधेरे में भी। तो ये है पैंडल, ये है पर्ची, लॉकेट। अभी ना लाइट पड़ रही है तो शायद दिखे ना अच्छे से। ये लॉकेट था और मैं लेके आई हूँ ये डेली यूज़ के लिए बालियाँ गोल्ड की, तो मैंने इसी में ना साथ में ही करवा ली थी। तो ये मैं लेके आई हूँ सिंपल, मतलब ऐसे है बालियाँ रेगुलर पहनने के लिए, क्योंकि मैं इस टाइप का ही लॉक वाले भी अभी मैंने इयर रिंग्स पहन रखे हैं तो इसीलिए मैं ऐसे लेके आई हूँ। तो अब शायद डिज़ाइन अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। तो कुछ ऐसा है डिज़ाइन लॉकेट का,